वाराणसी में दिव्यांग बच्चों के साथ जन्मदिन मनाएंगे पीएम मोदी। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री अपना 69वां जन्मदिन संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिव्यांग बच्चों के साथ मनाएंगे। यह लगातार दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन वाराणसी में मनाएंगे। इस बार जन्मदिन की थीम फिट इंडिया पर आधारित हो सकती है। पीएम मोदी ने विदेश में पेश की सादगी की मिसाल, सोफा छोड़कर कुर्सी पर बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी सादगी की मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस में फोटो सेशन के दौरान बीच में खास तौर पर लगे सोफे पर बैठने से इनकार कर दिया और सबके साथ सामान्य कुर्सी पर ही बैठने का फैसला किया। जेडीयू नेता ने सीएम नीतीश पर कसा था तंज, अब कर रहे पीएम मोदी का गुणगान। हायाघाट से जेडीयू के विधायक अमरनाथ गामी ने कुछ दिन पहले बिहार में शराबबंदी के बाद गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध को गलत ठहराते हुए सीएम नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठाया था और अब वे पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। मंदी के आहट से हुई मोदी 2.0 की शुरुआत। मोदी 2.0 सरकार की शुरुआत ही मंदी के संकेतों से हुई और इसके 100 दिन पूरे होने पर आर्थिक सुस्ती घराती ही जा रही है। ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट, टेलीकॉम, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, स्टील, टेक्सटाइल, टी, डायमंड, हर सेक्टर से नकारात्मक खबरें आ रही है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।